बट वो 3 नंबर पे आ रही है, 3 नंबर पे नहीं 4 नंबर पे वो ट्रेन आई है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है, कोई लोग नहीं चल रहे। हाँ भाई पूरा खाली है भाई, चल घुस 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 भाई, घुस भाई घुस भाई घुस भाई घुस भाई घुस भाई। अरे अरे भैया पैर मेरा तोड़ देना भैया, ये चाचा किधर है भाई, किधर है भाई, चलो जाओ यार। भाई सीट मिल गया रे भाई, पूरा सीट लूट लिया यार। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। तो जय श्री राम भाई, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज अभी आप लोग निकले वाराणसी की तरफ और अभी रात का हो रहा है 9:51 हो रहा है, मतलब 10 बजने को है। और अभी अपन लोग बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पे है क्योंकि यहाँ पे अपने को बुद्ध पूर्णिमा मिलेगी, वो डायरेक्ट यहाँ से वाराणसी लेके जाएगी अपन को और फिर वहाँ पे अपन लोग एक दिन स्टे करेंगे, मस्त वाला नहाएंगे और मस्त वाला खाएंगे, घूमेंगे और फिर वापस लौटेंगे। तो अभी तो अपन लोग स्टेशन पे आए, 4-व्हीलर से अपना था, राहुल का 4-व्हीलर था उससे अपन लोग, तो मैं मंटू राहुल और फिर एक और गांव का ही लड़का है सरदार नाम का। सवाई देखो यार नाइट व्यू, क्या ही मस्त वाला नाइट व्यू लग रहा है। पहले तो डर लगता था यार रेलवे स्टेशन पर भी, उधर देख रहे हो 4-4, 5-5, 6-6 बत्तियाँ जल रही है रेड वाली, और इधर देखो पहले ना अकेले में डर लगता था यार, कोई लाइट वाइट नहीं था, अभी देखो कितना प्यारा प्यारा सा लाइट लगा हुआ है ना, मस्त वाला लाइट लगा हुआ है। ये सरदार है हमारा गांव का मस्त वाला बंदा, हाई कर दो भाई। हाय। ये सरदार है, ये मंटू है, हाई कर दो भाई। और ये राहुल देखो फुल एकदम फुल टू फिटनेस भाई, देखो जीन्स जूता और फिर देखो ये, और हम तो ऐसे ही अपना पाँव का हाल देखो, फिर से बैंडेज, यहीं पे अपना बैंडेज लगा था और फिर से बैंडेज हो चुका है क्योंकि क्रिकेट खेलने में बैट गिर गई थी इसी कारण से। और रात में हम सारे लोग निकल चुके मस्त वाला मस्ती के लिए, तो अभी ट्रेन आएंगी फिर ट्रेन पे अपन लोग चढ़ेंगे और मस्त वाला यहाँ से निकलेंगे, तो ट्रेन का भी व्यू दिखाएंगे आज रात में कितना ज़्यादा भीड़ होता है उस पर। हम लोग तो वहाँ पूरा फुल इंजॉयमेंट करेंगे मस्त वाला, देख रहे हो ठंड भी लग रही है इसी कारण से जैकेट, और कोई ट्रेन आ रहा है, मैं भी मालगाड़ी आ रही होगी, अभी टाइम हो गया क्या, 10 बज गया क्या? हाँ। भाई तो आ रहा होगा ट्रेन है ना, 50 हो गया, हम 51 बोले थे और 50 हो गया, अच्छा मतलब कुछ ज्यादा ही बोल दिए थे हम। तो अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं हम सारे लोग, बस जल्दी से आए फिर अपन लोग निकलेंगे। एक बैग अपन लोग ले लिए, इसमें अपन लोग कपड़ा लिए और अपन लोग नॉर्मल सा कपड़ा भी पहन के जा रहे हैं क्योंकि पैर डैमेज है ना, तो इसी कारण से शू भी नहीं पहने, बस स्लीपर ही पहन के जा रहे हैं अभी। तो फाइनली भाई ये कौन सा ट्रेन है पता नहीं बट फिर भी आ रही है, बट ये कौन सी ट्रेन है भाई? ये बुद्ध पूर्णिमा आएगी ना तो ये प्लेटफॉर्म पे आएगी 1 नंबर पे, बट वो 3 नंबर पे आ रही है, 3 नंबर पे भी 4 नंबर पे वो ट्रेन आई है, कौन सी ट्रेन है अपने को पता नहीं, बट उधर का पैसेंजर भी कोई नहीं है उस पर, तो पूरा वीरान ही पड़ा है, देख लो गाइस एक भी उसमें पैसेंजर नहीं है, सारा बुद्ध पूर्णिमा से ही जाने वाला। उधर देखो ना तो एकदम आगे वाला जो मेन गेट है ना वहाँ पे तो गाइस काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और इधर हम जैसे कुछ लड़के लोग इधर खड़े, जैसे इन तीनों को देखो भाई, इन तीनों मजे ही मजे कर रहे हैं, और राहुल का तो भाई फोटो शूट ही चलेगा अभी भाई, लो लो अच्छे अच्छे अच्छा वाला पोज से लेना राहुल का फोटो भाई, ये देखो फोटो शूट वाला लड़का, जिधर देखो उधर सिर्फ फोटो ही देखो भाई, मस्त बंदा है, चलो फोटो ले लो भाई इसका। अबे धुंधला आ रही है, धुंधला आ रही है, चलो सही है, रात का टाइम है ना, बट देखो मेरा फोन का क्लियरिटी देखो भाई, मतलब कितना क्लीन आ रहा है मस्त वाला भाई। अभी देखो अनाउंसमेंट हो रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है भाई, 2 पे आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर, उस पे आ रही है, चलो उस पे। और ट्रेन तो अभी आई भी ना है भाई, क्या बोल रही है बे, आवाज ही समझ में ना आ बे, भाई आगे चलो। सो भाई हम लोग तो जनरल से सफर करने वाले हैं, इसी कारण से आगे ही जा रहे हैं हम सारे लोग भाई, हम सारे लोग सिर्फ आगे जाते हैं, पीछे तो हम लोग देखते ही नहीं है क्या राहुल, पीछे देखता भाई। ट्रेन आ गई अभी, ये देखो इसका रफ्तार देखो, ये भाई रात का व्यू है, रात में ऐसा ही कैमरा कैसे होता भाई मेरे को पता ही नहीं चल रहा, ये देख रहे हो, कोई लोग नहीं चल रहा। हाँ भाई पूरा खाली है भाई, चल घुस 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 भाई घुस भाई घुस भाई घुस भाई घुस भाई घुस भाई
घुस 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 भाई घुस भाई, सीटले सीटले सीटले। ये देखो भाई कैसे सारे लोग चढ़ रहे हैं भाई, सीट वाले ना यार, सीट वाले ना भाई। ये सारे लोग घुस रहे हैं भाई, कैसे मतलब जबरदस्ती का लोग घुसते हैं यार, ऐसा थोड़ी होता। सरदार इधर आ, इधर आ, इधर से ही हम लोग जाएंगे भाई, इधर से ही आएंगे। अरे अरे भैया पैर मेरा तोड़ देना भैया, ये चाचा ये देखो यार पैर मेरा ऐसे ही गया भाई। अब जल्दबाजी में चढ़ते हैं भाई, अंदर का देख रहे हो क्या सीन है। अरे भाई राहुल किधर है भाई, किधर है भाई, चलो जाओ यार भाई, सीट मिल गया रे भाई, पूरा सीट लूट लिया यार। अब देखो हम लोग सीट लेके जाएंगे भाई, राहुल लूट लिया था दोनों सीट, चलो मस्त है। देखो राहुल दोनों सीट ले लिया, मंटू इस तरफ, राहुल इस तरफ, और ये देखो जनरल वाला हाल भाई, जनरल वाली हाल है। इधर देखो काफी सारे लोग, तो भाई हम सारे लोग इधर आ चुके हैं, मस्त वाला जनरल वाला सीट है भाई, देख रहे हो 73 74, तो हम सारे लोग जनरल में ही घुस गए। राहुल तो सो गया भाई, हम लोग भी अब सोएंगे भाई, हम भी सोने चले, नाइट काफी हो चुकी है, 10 से ऊपर बज चुका, 10:30 हो चुका, 10:15, और मैं और मंटू यहाँ पे सोते हैं। तो भाई सुबह 7 बजे के आसपास अपन लोग पहुंचेंगे, तब तक थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर डायरेक्ट सुबह मिलते हैं गाइस। सो भाई देखो अभी हम लोग जंक्शन पहुंचे, पटना जंक्शन, और फिर देखो यार रात का टाइम है, अभी टाइम कितना हो रहा होगा भाई, 12 बजने वाला। देखना फास्ट भाई कितना भीड़ है, देखो कैसे कैसे लोग चढ़ रहे हैं, देखो खिड़की देखो, फिर देखो सीट कैसे लुटाएगा, देखना सीट किसको बोलते हैं। या भाई बैठो भाई, बैठो भाई, इधर इधर रखो, इधर बैठा भाई, इधर बैठा भाई, शर्मा जी। अरे भैया नीचे देख के भैया, भाई पैर को चूल रखा भाई पूरा एकदम, देख लो पैर कैसा, ये लो भाई पूरा फूल। राहुल मजे में जा रहा था भाई, अब कैसा लग रहा राहुल उठ के, ये जनरल का नतीजा, ये देखो जनरल भाई, ये देखो फाइनली भाई अभी 2 बज रहा, गया पहुंचे अभी हम लोग ये ट्रेन से, देख सकते हो बुध पूर्णिमा, और प्लेटफॉर्म नंबर कितना पे है पता नहीं, पाँव का हाल मेरा बेहाल हो चुका है, और अभी गया पहुंचे हैं। क्या भाई चाय, 2 बजे चाय पिएगा भाई? हाँ यार पी लो यार, नींद चला जाएगा, इतना ज़्यादा जाम है ना अंदर, भीड़ है ना, कि नींद नहीं आ रहा भाई, बहुत ही ज़्यादा। देख रहा गया भाई बहुत ही बड़ा स्टेशन है यार, बट चलो कोई ना, कभी टाइम मिला तो इसको भी रिवील कर देंगे गाइज, बट अभी तो फिलहाल जा रहे हैं हम लोग कहीं, तो इसको रिवील कैसे कर सकते हैं, बस चाय पीते और मस्त वाला जाते हैं। कैसे चाय है भैया? 10 को सुबह। अभी हम लोग पंडित दीनदयाल पहुंच गए, ये देख रहे हो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपना बुध पूर्णिमा, सुबह का 6 बज रहा है भाई, 40 में पहुंचाएगा, 6:40 में। ये देखो स्टेशन कुछ ऐसा है, और इधर से मालगाड़ी जा रही है भाई, मतलब मेरे को ना कहीं पे सोने का कोई जगह नहीं मिले, इतना ज़्यादा भीड़ है ना ट्रेन में कि बता ही नहीं सकते भाई, सोए नहीं अपन लोग, ऐसे ही जा रहे हैं, बट सबसे पहले वो आना जाके अपन लोग रूम में सोएंगे। ये देखो कुछ ऐसा स्टेशन है, ये कैंटीन है, और ये अपना सामने एक साइड ट्रेन है, और इसी बोगी में भी अपन लोग हैं, तो अभी चलते हैं फिलहाल अंदर, क्योंकि ट्रेन अब खुलने वाली है। सो फाइनली भाई सुबह 6:40 हो चुकी है, गाड़ी लेट हो चुकी है, इसी कारण से भी ब्यास नगर में हम लोग रुके हुए हैं, और अभी कब पहुंचते कोई अता पता है नहीं, फिलहाल देखते कितना टाइम लगता है। अभी रेड लाइट हो चुका है, बत्ती दिख रहा है आपको, ये देखो रेड बत्ती हो चुकी है, अपन लोग इधर ही रुके हुए हैं, और सरदार मेरे पीछे फोन से भाई सेल्फी ले रहा है, तो चलो अभी देखते कितना टाइम और लगता है, फिर डायरेक्ट आपको स्टेशन पे मिलते हैं। अभी थकान भी बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि सोए भी नहीं अभी अपन लोग। भाई ये देखो किधर ब्यास नगर में ऐसे ही प्लेटफॉर्म भी नहीं आया, ऐसे ही रोक दिया है, सामने के साथ गोडाउन, मतलब पहले था अभी नहीं है, मतलब खत्म हो चुका है, फिर अभी होगा, मे बी पॉसिबिलिटी हो सकता है, बट मेरे को पता नहीं, बट फिलहाल अभी अपन लोग तो ऐसे ही रोके हुए हैं भाई। हम लोग काशी आ चुके हैं, ये अपना देखो गंगा जी का व्यू, हाँ ये
उसके बाद अभी हम लोग ब्रिज पे है ना, तो ब्रिज का व्यू देखो यार, मतलब क्या है कितना सारा बोट है, सुबह सुबह कितना पानी ठंडा होगा सोचो यार, और इतने ठंडे में अपन लोग नहाएंगे। बट पहले तो अपन लोग कुछ टाइम स्टे करेंगे, उससे वही सीन आ रहा है भाई, ब्रिज तो दोनों साइड रहेगा ना। वो देखो भाई नज़ारा मस्त लग रहा है अपने को तो ट्रेन पे ही बैठ के, अभी देखते हैं ना स्टेशन पहुंचने के बाद क्या सीन होता है। तो भाई देखो वाराणसी पहुंच गए, ये देख रहे हो भाई, मतलब स्टेशन काफ़ी मस्त लग रहा है यार, मेरे को पता नहीं था ऐसा स्टेशन होगा। अब हम लोग इस तरफ है बट इस तरफ उतरेंगे इस तरफ, और ये देखो वाराणसी का स्टेशन भाई, मतलब कहते हैं जहर तगड़ा वाला स्टेशन है यार, मतलब मैं तो कभी नहीं आया था वाराणसी, फर्स्ट टाइम आया हूँ, और इससे पहले मैंने कभी बोले तो इधर कोई धाम ही सब भी नहीं स्नान किया हूँ, बस वही वहाँ पे स्नान किए थे जहाँ पे आप लोगों को वीडियो पोस्ट किए थे हरिद्वार। तो फाइनली भाई अभी अपन लोग वाराणसी पहुँच चुके हैं और फिर ट्रेन से निकल चुके, बाहर का सीन देखो गाइस, मतलब क्या ही मस्त वाला लग रहा है। तो अभी यहाँ से अपन लोग बाहर निकलेंगे, कुछ फ्रेश व्रेश होंगे, उसके बाद दातुन सब करेंगे, दतमन सब, और फिर अपन लोग निकलेंगे घाट के तरफ। तो अभी के लिए सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करें, और दूसरा वीडियो में आपसे डायरेक्ट मिलते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना। जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना। तो बाय बाय, जय श्री राम गाइज।